very special guest, the long-serving Chief Minister, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, and great national leader who's seen several winters and summers in Indian politics, Dr. Farooq Abdullah. Dr. Farooq Abdullah, thank you very much for joining me on Frankly Speaking tonight. How do I begin to say, Kashmir ki wadiyan aaj aapse kya keh rahi hain? क्या कह रही हैं? मौसम बहुत खुशगवार है, सियासी उथल पुथल है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अब इलेक्शन का बिगुल बजेगा। इलेक्शन के बिगुल बजने तक कुछ ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जो मुद्दे बहुत सालों से, दशकों से लोगों के दिल में नासूर की तरह चुभ रहे हैं। और कल ही जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने डिसाइड किया कि रीस्टार्ट होगा ट्रायल इनटू द नदी मर्ग मैसेकर ऑफ 2003, जिसमें 24 कश्मीरी हिंदूज को अपने घरों से घसीटा गया था और टेररिस्ट द्वारा मार दिया गया था। ये लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट हैं। मैं पूछना चाहती हूं फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या ये जो हाईकोर्ट का फैसला है, आप इससे खुश हैं? ये खुशी का सवाल नहीं है, इंसाफ का सवाल है। बेगुनाह मारे गए, बेगुनाह हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। मेरी जमात के भी कई आला मिनिस्टर, पार्टी के एमएलएज, हमारे छोटे छोटे वर्कर मारे गए। उन सबको इंसाफ चाहिए, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इंसाफ चाहिए। मैं तो ये खुश होता कि हाईकोर्ट सिर्फ इनका नाम नहीं लेता बल्कि सब जो मारे गए हैं आतंकवाद से उनके लिए भी सोचते और उनके लिए भी इस ट्रायल को बढ़ाते। तो आपका कहना है कि कश्मीरी हिंदूज की बात हुई, ये आपको नागवार है, सबकी बात होनी चाहिए थी? नहीं, नागवार नहीं है, आप गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा नागवार है, मैं तो खुश हूं कि यह है, मगर दूसरों को भी तो इंक्लूड कीजिए जो मारे गए हैं। आप क्यों एक ही तबके को लेके चल रहे हैं? क्या दूसरे वो कश्मीरी नहीं हैं? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं हैं? वो हिंदुस्तानी हैं पर कश्मीर में हैं। जो कश्मीरी हिंदू हैं उन्हें कश्मीर से निकाल दिया गया और 32 साल से वो इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, जो उन्हें आज तक कभी मिला ही नहीं। इसलिए कश्मीरी हिंदूज की अगर बात होती है तो ये नहीं होता कि हम बाकियों की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इनकी आहें, इनके रोने की सिसकियां किसी के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? मैं नहीं जानता, ये आप दिल्ली की हुकूमत से पूछिए। आपका कुछ लेना देना नहीं है, मैं पूछना इसलिए चाहती हूं क्योंकि जब भी कश्मीर की उस कोर्ट ने आप इसका फैसला किया है, आप क्यों बार बार इसको रिपीट कर रही हैं? कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो सुनना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट अब उनका फैसला सुनिए, ट्रायल चलने दीजिए। कोर्ट का तो फैसला कई चीजों हम तो पहले से कहते हैं कि इन बेचारों को वापस लाइए, घर लाइए इनको। कौन कहता नहीं लाइए? पर ये कहते हैं, पर ये निकले तो आपके समय थे फारूक अब्दुल्ला साहब, आप रोक लेते। हजूर, कौन निकालने वाला था? कभी ये सोचते हैं आप? क्या मैंने बंदूक उठाई? क्या हमने बंदूक उठाई? कौन थे जिनने ये किया? उन पे उंगली क्यों नहीं उठाते आप? तो जो पार से आए, जो बाहर एथनिक क्लिनजिंग चाहते थे, पर जो बाहर से आए, जो एथनिक क्लेंसिंग चाहते थे, उनसे तो आप कहते हैं हमेशा के बातचीत करते रहिए। आप ये तो कभी नहीं कहते कि इन्होंने मारा है कश्मीरियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को। आपको 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 मुसीबत ये है दैट योर माइंड इज वन सेट माइंड। इट इज नॉट ओनली आई सेइंग दैट वो बात करें। अभी आपने वो इंटरव्यू सुना वायर पे, जो एक्स
हमारे सबरवाल जो वहां पे हाई कमिश्नर थे उनने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू पढ़िए और उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब, आप कहते हैं कि जो ये एग्जोडस, नहीं फारूक अब्दुल्ला से ऐसी बात मत करिए मेहरबानी करके, मैं इंटरव्यू बंद कर दूंगा अगर आप ऐसी बात करती रहेंगी। क्यों 1989 की जो क्लीन स्लेट, आप जख्मों को उखाड़ रही हैं, आप जख्मों को उखाड़ रही हैं, जिनके जख्म रिस रहे हैं 32 सालों से, उनके जख्मों का क्या? हम सबके जख्म, हर कश्मीरी का जख्म, वो हिंदू हमारे भाई थे, कोई हमारे दुश्मन नहीं थे, हम उनके साथ पले हैं, पोसे हैं, जिए हैं, बैठे हैं, मरे और जिए हैं उनके साथ, मरे और जिए हैं। अगर तो मुझे ये बताइए, इतिहास आपसे पूछता है कि जब तीन हिंदू, टीकालाल टपलू, जस्टिस नीलाकांत गंजू, जब जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को शूट कर दिया था, और ये सितंबर 1989, अक्टूबर 1989, दिसंबर 1989 जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या इंटरव्यू फॉर माय इंटरव्यू इज फॉर आस्किंग अबाउट कश्मीर। आई एम नॉट रेडी टू गिव हर इंटरव्यू, शी इज टोटली, तो आप वन साइडेड बीजेपी पर्सन। मैं बीजेपी की हूं और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, कश्मीरी हिंदुओं के सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते। मैं क्या कर सकती हूं, बड़ी कोशिश की कि कुछ जवाब मिल जाए, सम आंसर्स एट लीस्ट, बट नो, थ्री क्वेश्चंस, नॉट इवन थ्री, मे बी 1.5 क्वेश्चन ऑन कश्मीरी हिंदूज एंड व्हाट हैपन टू देम, क्या हुआ था उनके साथ 1990 और 1989 में, और फारूक अब्दुल्ला साहब उठकर चले गए। बस यही है फ्रैंकली स्पीकिंग कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीरी हिंदुओं के मुद्दे पर, फ्रैंकली स्पीकिंग विद फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पर। कहते हैं कश्मीरी हिंदू हमारे हैं, सब हमारे हैं, लेकिन उनके रोते हुए सिसकते हुए आंसुओं को एक बार भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। गुस्सा आता है उन्हें, उनका क्या जो 32 सालों से इंसाफ ढूंढ रहे हैं, उनके आंसुओं का, उनके गुस्से का अंदाजा है किसी को? मैं छोड़ती हूं ये आज पब्लिक और व्यूअर्स के ऊपर कि वो तय करें क्यों फारूक अब्दुल्ला साहब उठकर चले गए।